आइए दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं चैप्टर वन की, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अब आप कहेंगे सर, चैप्टर वन का नाम जो आपने पीछे दिखाया था, या आप अलग अलग किताबें अगर रेफर कर रहे हैं तो वहां पे इसके नाम अलग अलग दिए हो सकते हैं। मोटा मोटा जो क्रक्स है वो ये है कि अकाउंटिंग का आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, जिसको कि अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग नामों से मेंशन किया हुआ है। जैसे कि आप नाम देखेंगे कुछ बुक्स के अंदर, जिसमें मेंशन होता है मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग। मोटा मोटा वही है कि अकाउंटिंग का आपको मीनिंग समझना है, ऑब्जेक्टिव समझना है, एडवांटेजेस समझने हैं, लिमिटेशन समझने हैं, स्कोप देखना है, किस किस नेचर के होती है अकाउंटिंग, ये सारे टर्मिनोलॉजी आपको इसके अंदर क्लियर करने हैं। तो नाम कुछ भी हो सकता है, दैट डजंट मीन द थिंग इज कि चैप्टर वन इज टॉक अबाउट अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। ये मेरे कुछ पर्सनल नोट्स हैं जो कि मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इस नोट्स के अंदर आप देखेंगे कि आपका जो ये चैप्टर है, ये कुल मिला के ये आपका 8 पेजों के अंदर आपका खत्म हो गया। ये जो आपका चैप्टर है, ये कुल मिला के 8 पेजेस के अंदर आपको यहां पे फिनिश करा दिया जाएगा, चैप्टर नंबर वन, ठीक है। अब ये 8 पेजेस के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो सर 8 पेजेस के अंदर आपको थ्योरी मिलेगी पूरी की पूरी, बट थोड़ी सी क्रिस्प मैनर में। अब सर क्रिस्प मैनर का मतलब क्या है, क्योंकि जब मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो मैं बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स दूंगा, बहुत सारे तरीके से उसको समझाने की कोशिश करूंगा किसी भी कॉन्सेप्ट को, ठीक है। अब एक बार आपके मैंने माइंड में वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर दी, तो उन्हीं बातों को मैं किताब में लिखूँ, इसका मेरे को पर्पस पर्सनली समझ में नहीं आता है। बट अगर आप कोई बुक एक रेफर करते हैं, तो वो बुक आपकी होती है सेल्फ स्टडी पर्पस के लिए। तो इसलिए उस बुक को, जैसे कि मैं अगर अपनी बुक की बात करूं, तो ये अराउंड अराउंड 120-130 पेजेस की मेरी पूरी बुक है, जिसके अंदर सारा कंटेंट कवर्ड है। बट यही बुक अगर आप मार्केट में देखने जाएंगे तो कुछ 800-900 पन्ने की होती है लगभग लगभग, ठीक है। तो उसका पर्पस बहुत क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सेल्फ स्टडी पर्पस के लिए बनाया जाता है। तो इसलिए इन किताबों के अंदर जो थ्योरी होती है वो भी काफी डिटेल्ड होती है। जो प्रैक्टिकल होते हैं उसके पहले इलस्ट्रेशंस होते हैं, जो कि सॉल्व होते हैं आपके आपके प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद आपको कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस दिए जाते हैं, बला बला चीजों से सारी चीजें यहाँ पे चलती हैं। मेरे बुक का पर्पस ये है कि ये बुक आपको सिर्फ रेफर करना है, और साथ में जो वीडियोज हैं वो इनकॉर्पोरेट करने हैं, तब जाके आपका जो कंटेंट है वो पूरा हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये पेजेस कम है, इसको आप अलग तरीके से ना समझें, बहुत क्रिस्प मैनर में जो आपको एग्जाम में लिखना होता है, जितनी बातें आपको मेमोराइज करनी होती हैं, जो आपको वर्ड्स वगैरह यूज करने होते हैं अपने आंसर्स के अंदर, वो बातें यहां पे क्लियरली इस नोट के अंदर आपको प्रोवाइड की गई है, ठीक है सर। ये बात समझ में आती है। अब जब चैप्टर वन को आप देखेंगे, तो चैप्टर वन में आपको स्टार्टिंग में देखने को मिल रहा होगा यहां पे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। क्या देखने को मिल रहा है? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अब आप जैसे ही ये वर्ड को पढ़ते हैं, तो आपके दिमाग में एक क्लिक होना चाहिए कि व्हाट इज दिस अकाउंटिंग। अब जब अकाउंटिंग किसी बच्चे के दिमाग में क्लिक होगा, तो साथ में एक और चीज क्लिक होनी चाहिए कि सर अकाउंटिंग तो समझ में आ गया, बट जब हम घर से निकले थे तो हमें कहा गया था कि बच्चों तुम क्या पढ़ने जा रहे हो, तुम पढ़ने जा रहे हो अकाउंटेंसी। क्या पढ़ने जा रहे हो? अकाउंटेंसी। और कई लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं कि हम क्या पढ़ते हैं सर, हम अकाउंट्स पढ़ते हैं। आप काय के स्टूडेंट हो? तो आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हो। आप किस कोचिंग में जाते हो? तो हम अकाउंट्स की कोचिंग पढ़ने जाते हैं, ठीक है। और तीसरा टर्म जो आपकी किताब में आपको देखने को मिल रहा है फर्स्ट पेज पे, फर्स्ट चैप्टर पे, वो है आपका अकाउंटिंग। तो एक बहुत जेन्युइन सवाल है यहाँ पे कि इन तीनों शब्द में फर्क क्या है? क्या ये तीनों सेम होते हैं? क्या ये तीनों जो चीजें हैं, क्या ये तीनों की तीनों सेम है? एक ही बात है, कोई बोले अकाउंट्स, कोई बोले अकाउंटिंग, कोई बोले अकाउंटेंसी, ऑल आर सेम, या फिर इसमें कुछ डिफरेंस है, या फिर इनमें कुछ डिफरेंस है, या फिर ये कोरिलेटेड है, कोरिलेटेड है या इंटर रिलेटेड है। आप एक ही बात है कि या तो ये कोरिलेटेड है या फिर ये इंटर रिलेटेड है, क्या है ये? तो इस चीज को आपको पहले समझना जरूरी है। आइए बात करते हैं वन बाय वन इन तीनों शब्दों की। सबसे पहला है आपका अकाउंट्स। अब अकाउंट्स का मतलब क्या है? तो अकाउंट्स को आप दो एंगल से समझ सकते हो, और इसको समझने से पहले आपको एक बेसिक चीज बताता हूं कि आपने बचपन में कंप्यूटर नामक एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा। कंप्यूटर जब आपने पढ़ा होगा, तो वहां पे आपने कुछ प्रोसेस देखे होंगे, कुछ एक सिस्टम समझा होगा, जिसमें आप देखते हो कि कुछ आप इनपुट डालते हो किसी भी कंप्यूटर में या फिर किसी भी मशीन में। आपको ध्यान रखना है कि जो ये वीडियोस हैं, ये आपकी पूरी पूरी कोचिंग क्लासेस हैं, तो आपको साथ में एक रजिस्टर पेन लेके रखना है और इन सारी बातों को नोट करना है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी व्यूइंग पर्पस के लिए नहीं है। आप इससे नोट्स डेवलप करेंगे, आप क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, बकायदा थ्योरीज यहाँ पे लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको साथ के साथ उसको नोट करके चलना है, ताकि आपका एक रजिस्टर मेंटेन रहे, जो कि आपको रिवीजन में हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए, तो एक इनपुट होता है जो कि हम किसी भी कंप्यूटर या किसी भी मशीन में डालते हैं, तो वहां से कुछ निकल के आता है, उसको हम बोलते हैं आउटपुट।
ये हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी है, बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पहले से पता है। आपने जनरली इसका यूज किया होगा अपने कंप्यूटर के सब्जेक्ट में, जहां पढ़ते हो इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, ठीक है। तो ये कुछ इनपुट होता है, उसको प्रोसेस किया जाता है थ्रू सम मशीन और कंप्यूटर और एनीथिंग, और उस प्रोसेस के बाद जो निकलता है दैट इज कॉल्ड आउटपुट। इसी चीज को आप इसमें जब रिलेट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि दिस आउटपुट इज व्हाट, दिस आउटपुट इज अकाउंट्स। जो अकाउंट्स है वो क्या है, आउटपुट। अब इसमें और ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना कि सर अकाउंट कुछ और होता है और अकाउंट्स कुछ और होता है, ऐसा नहीं, बोथ आर सेम। नाउ अब अकाउंट्स जब किसी के दिमाग में आएगा तो आप जब पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक आ गए हो, आपके पास एक अच्छी खासी मेच्योरिटी आ चुकी है, तो आप बोलोगे सर अकाउंट तो वो होता है ना जो बैंक में होता है। जैसे कि हमने बैंक में देखा है सर, बैंक में होता है सेविंग बैंक अकाउंट, बैंक में होता है करंट अकाउंट, बचत खाता, चालू खाता, ठीक है, इस टाइप के, और ओडी अकाउंट, बतेरे अकाउंट होते हैं। तो आपके दिमाग में आएगा कि ये बैंक में भी तो सर अकाउंट होते हैं। बिल्कुल सही, बैंक में भी जो होते हैं वो भी अकाउंट्स कहलाते हैं, लेकिन जो बैंक का अकाउंट होता है वो भी एक आपको क्या प्रोवाइड करता है, समरी ऑफ स्टेटमेंट, मतलब एक इंफॉर्मेशन की समराइज्ड इंफॉर्मेशन, समरी के रूप में आपको एक इंफॉर्मेशन गैदर करके देता है, जैसे इसको अकाउंट। जैसे कि आप पासबुक एक लेके आते हैं, तो पासबुक जो आपका है, जो आप पासबुक देख रहे हैं अपना, दिस इज व्हाट, दिस इज अ अकाउंट स्टेटमेंट, दिस इज योर अकाउंट स्टेटमेंट, इसको बैंक स्टेटमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। तो वो क्या है, आपका एक स्टेटमेंट है, वो भी किस रूप में है, आपके अकाउंट के रूप में, उसको भी आप अकाउंट कह सकते हो। बट फिलहाल हम इसके बेसिक्स को डेवलप कर रहे हैं, तो हम बैंक के अंदर नहीं जाएंगे, हम बात करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में, या फिर कोई भी इंडिविजुअल है जो कि अपना धंधा करता है, अपना काम करता है, तो उसके लिए अकाउंट का मतलब क्या है, ठीक है। तो अकाउंट का मतलब क्या है, वो स्टेटमेंट जो उसको बताए कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ या उसको कितना लॉस हुआ। ऐसा अगर कोई स्टेटमेंट आप निकाल के उसको दे दोगे तो वो स्टेटमेंट क्या कहलाएगा, अकाउंट। इस स्टेटमेंट में क्या होगा, कुछ चीजें आपने जोड़ी होंगी, कुछ चीजें आपने घटाई होगी। जैसे कि अगर बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो एक बिजनेसमैन क्या बोलता है कि भाई साहब मैंने इतने का माल बेचा, इतना मैंने माल बेचा है, इतने का मैंने सेल किया है, और इस माल को जो मैंने बेचा है इसको मैंने कहीं से खरीदा भी था, तो उतना मैं इसमें से घटा देता हूं, ठीक है। और इसको माल को बेचने के लिए मुझे कई सारे खर्चे करने पड़े हैं, कई सारे मेरे एक्सपेंस हुए हैं, उन खर्चों को मैं माइनस कर देता हूं। उसके बाद जो मेरा निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट, या फिर अगर नेगेटिव में आएगा तो क्या हो जाएगा, लॉस, ठीक है। तो ये इसने एक रफ स्टेटमेंट बनाई है, ये रफ स्टेटमेंट क्या है, ये रफ स्टेटमेंट ही क्या है, आपका अकाउंट है, ठीक है, ये रफ स्टेटमेंट क्या है, अकाउंट है। बट यहां पे एक लेमन लैंग्वेज ने बनाई जिसके अंदर इसने कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया, कोई टेक्निक्स नहीं लगाए, कोई एक फॉर्मेट यूज नहीं किया, कोई एक यूनिफॉर्मिटी नहीं लेके आई। मतलब क्या हुआ कि कोई एक व्यक्ति इसको इस तरीके से बना रहा होगा, कोई दूसरा व्यक्ति इसको दूसरे तरीके से बना सकता है, तो अलग अलग तरीके से इसको बनाया जा रहा है, तो उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी आपकी नहीं रह जाती। तो आपको यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, आपको वहां पे यूनिफॉर्मिटी डेवलप करने के लिए थ्रू अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी प्रोसेस से निकलना पड़ता है, और आप अपने अकाउंट्स वहां पे मतलब गैदर कर पाते हो, सामने वाले को प्रेजेंट कर पाते हो, ठीक है सर। चलिए ये बात समझ में आती है। ठीक है जी, अब अकाउंट्स आपको मोटा मोटा समझ में आ गया। अगर मैं इसको बिल्कुल डिफाइन करूं, ऑल्दो आप आगे जब बढ़ोगे तो आप इसको देखोगे कि अकाउंट्स को किस तरीके से डिफाइन किया गया है, बट अकाउंट्स को अगर मैं डिफाइन करूं तो आप कैसे डिफाइन करोगे अकाउंट्स को। अगर मैं आपको बोलूं कि भैया बताओ क्या है, तो अकाउंट्स क्या है, तो अकाउंट्स का बेसिकली मतलब होता है कि ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड करना, उसको एड करना, सब्सट्रैक्ट करना एट वन प्लेस इज कॉल्ड अकाउंट्स, ठीक है, अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो, ठीक है। तो अकाउंट्स को अगर और थोड़ा सा आप कॉम्प्लिकेट करके अगर समझना चाहें तो अकाउंट्स की डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो अकाउंट्स को आप कह सकते हो कि एन अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस, एन अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन और आइटम। किसी भी व्यक्ति का या किसी भी आइटम के सारे ट्रांजैक्शंस को जब आप एक जगह पर रिकॉर्ड कर देते हो तो वो क्या कहलाता है, आपका अकाउंट्स कहला जाता है, ठीक है सर। नाउ थर्ड टर्मिनोलॉजी आपकी क्या आती है, थर्ड टर्मिनोलॉजी आपकी आती है अकाउंटेंसी। अभी अकाउंट आपने देखा, आपकी जो अगली आएगी वो अकाउंटेंसी आएगी, और फिर लास्ट में हम बात करेंगे अकाउंटिंग के ऊपर, ठीक है। चलिए तो अब अगर अकाउंटेंसी की बात करें तो अकाउंटेंसी क्या है, तो आप अपनी जो भी आपके पास किताब होगी उस किताब का जब आप पहला पन्ना देखोगे तो आपको वहां देखने को मिलेगा, वहां पे लिखा होगा अकाउंटेंसी। जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका क्लास 11 का सब्जेक्ट है, उसका नाम क्या लिखा है वहां पे, अकाउंटेंसी लिखा है, ठीक है। चलिए तो वो अकाउंटेंसी को अगर आप एक पहला वर्ड आप अकाउंटेंसी को देना चाहें तो आप क्या दे सकते हैं कि अकाउंटेंसी इज अ सब्जेक्ट, अकाउंटेंसी इज अ
सब्जेक्ट। चलिए जी, मैं माफ़ी चाहूँगा ज़रा, और एक छोटा सा आपको ब्रेक देता हूँ, ब्रेक के साथ ही इसको कंटिन्यू कर लेंगे, बट ड्यू टू सम इंटरप्शन मुझे इसको बीच में रोकना पड़ रहा है। चलिए दोस्तों, तो हम अकाउंटेंसी की बात कर रहे थे, अकाउंट्स क्या होता है वो हमने देख लिया था, अब अकाउंटेंसी क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अकाउंटेंसी इज वॉट, अकाउंटेंसी इज अ सब्जेक्ट, जो कि आप अपनी जो भी आपके पास किताब है, जो भी आप बुक रेफर कर रहे हैं, उसके टॉप पे जब आप देखेंगे तो आपको एक शब्द दिखेगा अकाउंटेंसी का। दैट मीन्स कि अकाउंटेंसी इज वॉट, अकाउंटेंसी इज अ सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट बेसिकली क्या देता है आपको, कुछ बातें बताता है। सब्जेक्ट क्या देता है आपको, कुछ बातें बताता है। सब्जेक्ट देता है आपको कुछ स्टडीज, सब्जेक्ट क्या प्रोवाइड करता है, कुछ स्टडीज। सब्जेक्ट क्या प्रोवाइड करता है आपको, कुछ प्रिंसिपल्स। सब्जेक्ट क्या प्रोवाइड करेगा आपको, कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स। और सब्जेक्ट क्या प्रोवाइड करेगा, सब्जेक्ट प्रोवाइड करेगा आपको थ्योरीज। किस चीज की, ये सारी चीजें किस चीज के ऊपर दे रहा है वो आपको, वो दे रहा है आपको ये सारी चीजें किसके ऊपर, अकाउंटिंग के ऊपर। ठीक है, तो अगर आप इसको शॉर्ट में और समझना चाहें तो आप इसको किस तरीके से ले सकते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि कोई भी मशीन जो आपको इनपुट आउटपुट और प्रोसेस के गेम में इन्वॉल्व करती है, तो उसके अंदर जो आपका इनपुट होता है वो इनपुट क्या है आपका, अकाउंटेंसी। इनपुट क्या है आपका, अकाउंटेंसी, विच इज अ सब्जेक्ट। ये आप कहां डालते हो, किसी ना किसी मशीन में, दैट मशीन इज कॉल्ड व्हाट, अकाउंटिंग। मशीन इज व्हाट, अकाउंटिंग। और इससे जो आपका आउटपुट निकलेगा, जो भी इससे आपका आउटपुट निकलेगा वो आउटपुट क्या कहलाएगा, वो आउटपुट कहलाएगा आपका अकाउंट्स। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल कि ये आपका प्रिंटर है, प्रिंटर में आपने कुछ इनपुट डाला, इनपुट आपने सिस्टम के माध्यम से डाला होगा, उसके अंदर आप कुछ निकालना चाह रहे हो, कुछ ढूंढना चाह रहे हो, कुछ जो भी करना चाह रहे हो, वो आपने यहाँ पे इसको इनपुट किया, प्रिंटर ने आपके क्या किया, उसको प्रोसेस किया, और आउटपुट जो आपका पेपर निकाला वो पेपर में आपके क्या छप के आएगा, वो निकल के आएगा आपका अकाउंट्स। इसको आप किसी और एग्जांपल में भी सेट कर सकते हैं कि किसी भी प्रोसेस को करने के लिए आपको एक सब्जेक्ट की नॉलेज होना जरूरी है। अब ये नॉलेज की जो मेन आवश्यकता है वो किस लिए पड़ती है, वो पड़ती है ताकि क्या मेंटेन हो सके, यूनिफॉर्मिटी। अब सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है कि सपोज कीजिए कि एक मिस्टर ए है और मिस्टर ए अकाउंट्स बनाते हैं, और वो मिस्टर ए अकाउंट्स बनाते हैं टेबुलर फॉर्म में। वो कहते हैं जी मैं यहां लिखता हूं सेल्स, यहां लिखता हूं अमाउंट, इसके आगे फिर इसमें से माइनस करता हूं मैं परचेज, यहां लिखता हूं माइनस करता हूं जो भी मेरे एक्सपेंसेस है, यहां लिखता हूं और मेरा प्रॉफिट लॉस निकल के आ जाता है, जो भी मेरा प्रॉफिट या लॉस हो वो मैं इस तरीके से कैलकुलेट कर लेता हूं। ठीक है, मिस्टर बी जो है वो क्या कहते हैं, मिस्टर बी कहते हैं नहीं जी हम ऐसे नहीं करेंगे, हम सारे एक्सपेंसेस को एक जगह लिखते हैं, पहले जो भी एक्सपेंसेस है वो सारी एक जगह लिखते हैं, टोटल करते हैं, इसको बोलते हैं टोटल एक्सपेंस। इसके बाद जितनी भी प्रकार की इनकम है उसको हम एक जगह लिखते हैं और उसका टोटल करते हैं, उसको बोलते हैं टोटल इनकम, और उसके बाद इसमें से इसको माइनस करते हैं, फिर हमें पता लगता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट। मतलब क्या है कि इसको बनाने के तरीके अलग अलग, अगर लोगों को एक कॉन्सेप्ट, एक स्टडीज के रूप में, एक मेथोडोलॉजी के रूप में, एक प्रिंसिपल्स के रूप में समझाया नहीं जाएगा तो हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से अकाउंटिंग करेगा। अकाउंटिंग का पर्पस सेम है, अकाउंटिंग का पर्पस सेम है कि आपको अकाउंट्स बनाने हैं, उसके लिए कैलकुलेशन करने हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सब्सक्राइब इस टाइप की एक्टिविटी से करते हुए आपको एक रिजल्ट शो करना है, विच इज आर अकाउंट्स। बट अगर उसका एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर नहीं होगा तो उससे दिक्कत क्या होगी कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से काम करेंगे। अब इससे का फर्क पड़ेगा, आप बोलोगे कि भैया इंडिविजुअल है, वो अपना प्रॉफिट निकाल रहा है, उसको जैसी इच्छा वैसे निकाले, क्या दिक्कत है। नहीं, क्यों, क्योंकि जब ये अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करता है तो ये अकाउंट्स अपने बहुत सारे अलग अलग लोगों को ये यूजफुल होते हैं। कैसे यूजफुल होते हैं कि सपोज मिस्टर ए लोन लेने जाता है तो वो बैंक को अपने अकाउंट सबमिट करता है कि देखो जी मैंने इतना प्रॉफिट कमाया। अब बैंक को मिस्टर ए सबमिट कर रहा है, मिस्टर बी सबमिट कर रहा है, मिस्टर सी सबमिट कर रहा है, और हर कोई लोग अपने अपने फॉर्मेट में बना के ला रहे हैं, तो बैंक के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा ये समझना और गलतियों को पता लगाना कि भैया कौन सही बना रहा है, कौन गलत बना रहा है। बैंक के पास हजारों वैरायटीज के अकाउंट्स आ जाएंगे तो बैंक को दिक्कत होगी। सपोज कीजिए मिस्टर ए अपना इनकम टैक्स फाइल करते हैं, इनकम टैक्स जमा करते हैं, और उसके लिए उन्होंने प्रॉफिट निकाला, तो गवर्नमेंट के पास उन्होंने अपना ये स्टेटमेंट सबमिट किया कि भैया इस तरीके से मेरा प्रॉफिट आया और उसके ऊपर मैंने टैक्स जमा कर दिया। अब ए अलग कर रहा है, बी अलग कर रहा है, सी अलग कर रहा है, डी अलग कर रहा है, तो गवर्नमेंट के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी आपके इंफॉर्मेशन होते हैं, जो भी आपके अकाउंट्स होते हैं, वो अलग अलग लोगों के काम आते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के काम आते हैं, और अगर वो एक जैसे नहीं होंगे तो बहुत ही कंफ्यूजन डेवलप हो जाएगी हमारे देश के अंदर। तो इसलिए एक सब्जेक्ट आया यहां पे जिसने बताया कि भैया
अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, इस सब्जेक्ट ने क्या बताया, अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, क्या प्रैक्टिसेस फॉलो होंगे, क्या प्रिंसिपल्स फॉलो होंगे, क्या थ्योरीज यहां पे अप्लाई की जाएगी और किस तरीके से आपके अकाउंट्स बनाए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों शब्द जो है वो इंटर रिलेटेड है कि अकाउंट्स हमें बनाने हैं, बनाने कैसे हैं वो बताएगा अकाउंटेंसी, और वो सारे स्टेप्स को जब हम फॉलो करेंगे दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। तो जो लार्जर कॉन्सेप्ट है वो क्या है आपका, अकाउंटिंग, क्योंकि एक्चुअल में आपको करना क्या है, अकाउंटिंग करनी है, यहां से पढ़ना है, यहां से सीखना है और ये आपको अप्लाई करना है, तब जाके आप अकाउंट सबमिट कर पाओगे। तो अकाउंट्स इज अ नॉर्मल थिंग, अकाउंटेंसी इज अ नॉर्मल थिंग, बट अकाउंटिंग इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट। अगर आपने अकाउंटिंग कर ली दैट मीन्स आपको अकाउंटेंसी आती है, अगर आपने अकाउंटिंग कर ली दैट मीन्स आपका अकाउंट्स ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है जी, तो हमने दो शब्दों को यहाँ पे समझ लिया, अकाउंट समझ में हमें आ गया, हमें अकाउंटेंसी समझ में आ गई। अब जो थर्ड आपका कॉन्सेप्ट आता है विच इज वाइडर देन बोथ ऑफ देम, और आपकी जो चैप्टर की शुरुआत हुई थी वो वहीं से हुई थी, नेचर स्कोप ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसको हमने शॉर्ट में कहा था इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो अब हमें ये समझना जरूरी है कि अकाउंटिंग क्या होता है। ठीक है, अब जब आप अपने बुक्स में रेफर करेंगे या फिर मैं आपको अगर मैं नोट्स में ही सिंपली दिखा दूं, तो अकाउंटिंग से रिलेटेड देखिए कैसी कैसी बातें हैं यहां पे। जब आप इसमें देखते हैं तो इसके अंदर आपको दिखेगा क्या कि अकाउंटिंग क्या होता है। तो आप थोड़ा सा नीचे आए इसके अंदर, आप देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। अब सर जी ये क्या होता है, ये तो बड़ा कठिन सा लग रहा है, ये आइडेंटिफाइंग क्या है। तो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, फिर आया मेजरिंग, फिर आया रिकॉर्डिंग, फिर आया कम्युनिकेटिंग। अब यहां चार कठिन वर्ड को यहां पर यूज किया गया, दिस इज The मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, ये सारी चीजें आप करते हो किसके लिए, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन के लिए रिलेटेड टू इकोनॉमिक इवेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू द इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ सच इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, ये एक मीनिंग आई। डेफिनेशन की बात करें तो अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने इसकी एक डेफिनेशन दी, क्या डेफिनेशन दी, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग। मतलब इसमें से इसने तीन वर्ड यूज किए हैं, रिकॉर्डिंग को यूज नहीं किया। ठीक है जी, इसमें से इन्होंने तीन वर्ड यूज किया, रिकॉर्डिंग को यूज यहां पे नहीं किया। आगे बढ़ते हैं, जब हम देखेंगे अकाउंटिंग के फंक्शंस को, तो इसमें आइडेंटिफिकेशन भी आ रहा है, मेजरमेंट भी आ रहा है, रिकॉर्डिंग भी आ रहा है, क्लासिफाइंग भी आ रही है, समराइजिंग भी आ रही है और कम्युनिकेशन भी आ रहा है। और फिर जब आगे आप देखोगे प्रोसेस को, तो यहां पे भी इस प्रकार के सात नए शब्द यूज किए जा रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालाइज एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अब इन शॉर्ट में अगर हम कहना चाहें तो भैया अकाउंटिंग है क्या, इसमें तो ये सारे कठिन कठिन वर्ड को यूज किया जा रहा है। ऑल दो ये वर्ड्स की मीनिंग अपन समझेंगे, बट उससे पहले हमें समझना है कि अकाउंटिंग क्या होता है। तो उसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, अकाउंटिंग की डेफिनेशन को, अकाउंटिंग की मीनिंग को। तो अकाउंटिंग की मीनिंग अगर हम लिखें तो अकाउंटिंग क्या है, तो इट इज अ, इसको साथ साथ आपको लिखते भी चलना है, इट इज अ प्रोसेस ऑब्लिक आर्ट ऑफ। अब इसमें सिर्फ प्रोसेस नहीं कह सकते, ऑल दो देर आर सेवरल प्रोसेसेस ऑफ डूइंग अकाउंटिंग, बट इसमें हम कहते हैं कि भैया ये हुनर का काम भी है, इसको हम आर्ट भी यहाँ पे डिफाइन में करते हैं, इट इज अ प्रोसेस ऑब्लिक आर्ट ऑफ व्हाट। अब यहाँ पे बहुत सारे शब्द आपको यूज कर रहे हैं, कुल मिला के सात यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट सात वर्ड को यूज करना है जो कि आपने पीछे देखा। अब इस सात वर्ड्स को हम याद कैसे रखेंगे, तो इसको याद रखने के लिए आपको एक टूल दिया जा रहा है, जिस टूल को आप कहोगे क्या, साइन राम के चरण छू। अब ये क्या है, ये आपको मदद करेगा इसको याद करने के लिए। कैसे मदद करेगा सर, एस इज व्हाट, समराइजिंग, एस इज व्हाट, समराइजिंग। अगला आया ए, ए इज व्हाट, एनालाइजिंग। अगला आया आई, आई इज व्हाट, इंटरप्रेटिंग। यहां पे एक आइडेंटिफाइंग भी आप इसको कहते हो, आइडेंटिफाइंग। ठीक है जी, आर, आर इज व्हाट, रिकॉर्डिंग, आर इज व्हाट, रिकॉर्डिंग। सी, सी इज व्हाट, क्लासिफाइंग। एंड नेक्स्ट सी इज व्हाट, कम्युनिकेटिंग। ठीक है, अब आपको सर एक वर्ड रह गया, और हमने पीछे भी जब आपने बुक में दिखाया तो उसके अंदर एक वर्ड और था, दैट इज व्हाट, मेजरमेंट, दैट इज व्हाट, मेजरिंग। ठीक है, अब इस वर्ड को कैसे याद करेंगे, तो इसके लिए आप यहां पे कह सकते हो साईं राम के चरण
मत छुओ। अब इस पर किसी को भी जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, कोई दिल पे लेने वाली बात नहीं है इसके अंदर। हम एक टूल जस्ट यूज कर रहे हैं ताकि ये सात वर्ड आपको याद रहे। अब ये सात वर्ड आप और भी अनेक तरीकों से याद कर सकते हो सकता है आपको इस टूल की आवश्यकता ना हो, बट जब हम नए नए शुरुआत में आते हैं और हम अकाउंट्स पढ़ने की कोशिश करते हैं तो ये वर्ड हमें थोड़े भयंकर से लगते हैं। ऑल्दो जब आप आगे चल के इसकी मीनिंग को समझ जाएंगे तो आपको डेफिनेशन याद करना कोई मुश्किल नहीं रह जाता। इन सात वर्ड में से अगर आप तीन चार भी यूज करके डिफाइन कर देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जब आप डेफिनेशन इसका लिखोगे तो इट इज अ प्रोसेस आर्ट ऑफ समराइजिंग एनालाइजिंग इंटरप्रेटिंग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन या ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इस तरीके से भी आप आगे बढ़ जाओगे, एक दो को छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत समस्या नहीं है। बट द थिंग इज कि अल्टीमेटली आपको अगर फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग लिखने आ गया तो आपको ये सात बातें लिखनी है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इन सात बातों को आप याद कैसे कर सकते हो, तो ये एक छोटा सा टूल है, मजाक मजाक में आपको ये याद हो जाएगा। अब इनकी मीनिंग क्या है वो हम आगे समझेंगे, इसकी हर एक की मीनिंग क्या है उसको हम आगे डिटेल में समझेंगे, बट फिलहाल मैं आपको इसको डेफिनेशन को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं कि हम क्या क्या चीजें करते हैं। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस आर्ट ऑफ समराइजिंग। समराइज किसको करना है? ऑफ ट्रांजेक्शंस हैविंग मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है, हमें समराइज किसको करना है? ट्रांजेक्शंस को। एनालाइज किसको करना है? ट्रांजेक्शंस को। इंटरप्रेट किसको करना है? ट्रांजेक्शंस को। रिकॉर्ड किसको करना है? ट्रांजेक्शंस को। क्लासिफाई किसको करना है? ट्रांजेक्शंस को। कम्युनिकेट किसको करना है? ट्रांजेक्शंस को। मेजरमेंट किसको करना है? ट्रांजेक्शंस को। ये सारी एक्टिविटी हमें किसके ऊपर लगानी है? किसी भी ट्रांजेक्शंस के ऊपर। इसको आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, इसको कोई इंसान ये ना लिखना चाहे तो वो कह सकता है ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इसको और सिंपल क्या वर्ड यूज किया जा सकता है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। आपको मैंने पहले भी बताया था आपको कोई भी चीज यहाँ पे याद नहीं करनी है, ये एक आपने अगर समझ लिया तो आप इसको अपने शब्दों में डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी रट्टाफिकेशन टाइप की चीज नहीं है। इसको एक और एडवांस वर्ड कहा जाए तो इसको कहा जाता है क्या? इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक इवेंट का मतलब क्या होता है? वो इवेंट, वो घटनाएं जो कि मॉनेटरी वैल्यू में नापी जा सकती है, जिसका फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस होता है, वो सारी इवेंट्स क्या कहलाती है आपकी? इकोनॉमिक इवेंट। ठीक है, तो इट इज द प्रोसेस आर्ट ऑफ ऑल दिस एक्टिविटी ऑफ ट्रांजेक्शन हैविंग मॉनेटरी वैल्यू, या फिर कह सकते हो ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, या फिर कह सकते हो ऑफ इकोनॉमिक इवेंट। अब उसके बाद क्या है? टू provide useful information to its users। ये सारी चीजें किसके लिए की जा रही हैं? यूजर्स के लिए। जैसे कि मैंने आपको पीछे दिखाया, गवर्नमेंट एक यूजर है, वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करता है। बैंक भी एक यूजर है, बिजनेसमैन भी जो है वो एक यूजर है। किसका? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, जो कि आप इन प्रोसेस के थ्रू जनरेट करके दोगे। ठीक है, वो यूजफुल इंफॉर्मेशन आपकी क्या है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग इज अ वास्ट कॉन्सेप्ट जिसके अंदर ये सारी एक्टिविटी करते हैं। मतलब जितनी भी हम ये पूरी किताब, जो हम पूरा सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज अकाउंटेंसी। लेकिन इस अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंदर जो भी हम एक्टिविटी करेंगे वो सारी एक्टिविटीज क्या कहलाएंगी? अकाउंटिंग कहलाएगी। और उस अकाउंटिंग को करके हम क्या बनाएंगे? हम अकाउंट्स बनाएंगे। और अगर हमने ये अकाउंट सही बना दिया तो जो हमारा टीचर है, जो हमारे एग्जाम पेपर को चेक करेगा, एग्जाम के शीट को चेक करेगा, वो पाएगा अगर ये अकाउंट सही बन के आए हैं तो वो आपको मार्क्स देगा फुल ऑन फुल। ठीक है, तो अल्टीमेटली वो क्या चेक करेगा? अकाउंट्स। अब ये अकाउंट्स बनाने के लिए आप क्या करोगे? अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग कैसे करना है वो आप सीख रहे हो किस सब्जेक्ट में? इस अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में, विच इज इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, तो दिस इज दी डीप कॉन्सेप्ट, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज थ्री टर्मिनोलॉजीज। नंबर वन इज अकाउंट्स, नंबर टू इज अकाउंटिंग, एंड नंबर थ्री इज अकाउंटेंसी। अब ये तीन चीजें अगर आपको समझ में अच्छे से आ जाएगी तो ये बेसिकली आपको हेल्प करेगा आपका फाउंडेशन डेवलप करने के लिए, ताकि कल को अगर आपसे किसी राह चलते व्यक्ति ने पूछ लिया कि हाँ जी कहाँ जा रहे हो, आप कहोगे जी ट्यूशन जा रहे हैं, या फिर हम क्लास देख रहे हैं, हम यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, और हम क्या पढ़ रहे हैं? हम अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं। तो वो व्यक्ति आपसे पूछेगा क्या बात कर रहे हो, जो मेरे जानने वाले लोग हैं वो तो अकाउंट्स पढ़ने जाते हैं, तुम अकाउंटेंसी क्यों पढ़ रहे हो? या फिर कोई व्यक्ति ऐसा बोल सकता है कि नहीं जी, जो मेरे बच्चे हैं या मेरे रिश्तेदार हैं या मेरे दोस्त हैं वो तो अकाउंटिंग पढ़ते हैं, तुम अकाउंटेंसी क्या पढ़ रहे हो? तो आप उसको ये समझाने में सक्षम होने चाहिए कि इन तीनों शब्द में क्या डिफरेंस है और ये क्या बातें बताता है। ऑल थ्री आर इंटर रिलेटेड बट ऑल थ्री आर डिफरेंट, ये तीनों सेम नहीं होते हैं। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होगी अब तक। ठीक है, चलिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक और फिर हम कूदेंगे अपने चैप्टर के अंदर और फिर उसके आगे की बातों को समझेंगे।